दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज है 26/5/2023 और आज फिजिकल सेंटरों पर क्या क्या हुआ, इस वीडियो में हम सारी जानकारी देने वाले हैं। साथ में आगे आपका किसी भी डेट में फिजिकल है तो आप लोगों को एक सावधानी बरतनी है जो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और ये सावधानी जो बच्चे अभी तक नहीं बरते हैं वह फिजिकल में रिजेक्ट हुए हैं। अभी तक जो फिजिकल में सबसे ज्यादा बच्चे रिजेक्ट हुए हैं इसी गलती के कारण, जो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर जो बीएसएफ ट्रेड्समैन 1284 पोस्ट का भी फिजिकल हो रहा है तो उसमें मौसम भी अपना जो रुतबा है वो दिखा रहा है। तो इससे आपको कैसे बचना है, क्या करना है, सारी चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो फिजिकल है वह खत्म हो चुका है, सभी स्टूडेंट अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं और आंकड़ा वही पर है जो हम आप लोगों को पीछे वीडियो में बताए थे कि पास होने वालों की संख्या ज्यादा है और रिजेक्ट होने वालों की संख्या कम है। लेकिन जो बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर वह अपनी गलती के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं। और काफी बच्चे हमें पिछले वीडियो में कॉमेंट किए कि क्या भाई हमारा जो फिजिकल मान के चलिए आज है हम नहीं पहुंच पाए, दूसरे दिन जा सकते हैं क्या, तीसरे दिन जा सकते हैं क्या। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों बता दें बीएसएफ ट्रेड्समैन में इस बार सबसे ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं फिजिकल सेंटर पर, अधिक से अधिक बच्चे जितने बुलाए जाते हैं 5-10 कम, नहीं तो सभी फिजिकल सेंटर का यही हाल है। चाहे आप किशनगंज ले लीजिए, भोंसी ले लीजिए, चाहे हरियाणा का जितना भी फिजिकल सेंटर है सो ले लीजिए, इसके बाद आप जालंधर का ले लीजिए, अमृतसर का ले लीजिए, इसके बाद आप महाराष्ट्र का ले लीजिए, गुजरात का ले लीजिए, राजस्थान का ले लीजिए, जितने भी फिजिकल सेंटर है, चाहे मेरू कैंप बीएसएफ का ले लीजिए, चाहे रानीगंज, चाहे नदिया सेंटर ले लीजिए, चाहे जलपाईगुड़ी का बीएसएफ फिजिकल सेंटर ले, सब पे यही हाल है। अधिक से अधिक बच्चे पहुंच रहे हैं और सब फिजिकल पास हो रहे। तो फिजिकल में केवल आप लोगों को रनिंग है, न हाई जंप है, न लॉन्ग जंप है। शुरू में एडमिट कार्ड आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और 150 का बैच बना के, कभी 130 तो कहीं कहीं पर 200 का बैच भी बना दिया जा रहा है। तो दोस्तों फिजिकल में जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं, हम आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताए थे कि दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन में यहां पर जो रिजेक्ट होने वाले की संख्या है वह रनिंग में और चेस्ट में, रनिंग में और चेस्ट में। हम आप लोगों को अभी भी बोलते हैं कि 75 से 80 सेंटीमीटर चेस्ट ले रहा है। यदि आपका चेस्ट कम है और फिजिकल आगे है तो डेली पुशअप कीजिए, रोज पुशअप, रनिंग और पुशअप रोज कीजिए और रोज आप अपना चेस्ट में हवा भरिए, सांस भरिए, फुलाने का कोशिश कीजिए ताकि आप 5 सेंटीमीटर तक फुला सके। दोस्तों यहां पर पहले रनिंग, पहले हाइट। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति, साथ में प्रारंभिक अंकगणित सामान्य हिंदी एवं इंग्लिश में और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित, न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिक सेट और 100% न्यू सिलेबस पर आधारित है चक्षु प्रकाशन की। दोस्तों इस बुक के साथ इनकी प्रैक्टिक सेट भी आती है जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग ये बुक और प्रैक्टिक सेट लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। और चेस्ट लिया जा रहा है, वजन का कोई मायने नहीं है। और रनिंग के बाद जो बच्चे रनिंग में क्वालिफाई हो जाते हैं उनको दोबारा यहां पर हाइट चेस्ट लिया जाता है और दोबारा जो लिया जाता है उसमें सबसे ज्यादा बच्चे चेस्ट में रिजेक्ट हो रहे हैं। तो पुशअप कीजिए। दूसरी गलती जो करते हैं, हम आप लोगों को पहले भी बोले थे आप लोग फिजिकल सेंटर पे 4 बजे सुबह ही चले जाइए ताकि जितना जल्दी आप लाइन में खड़े रहे, जितना आगे आप लाइन में खड़े रहे उतना जल्दी आपका फिजिकल हो। यहाँ पर कई कई सेंटर पर बारिश के वजह से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे फिजिकल हो रहा है क्योंकि इतना तेज बारिश हो रहा है कि। और दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, आज का बात बता दें तो आज 2 फिजिकल सेंटर के जो स्टूडेंट मुझे बोले हैं कि भाई हम लोग बारिश में रनिंग किए हैं, मतलब बारिश में ही रनिंग कराया गया, हल्का हल्का बारिश हो रहा था और 11 बजे रनिंग कराया गया। तो इसीलिए दोस्तों
जितना जल्दी लाइन में लगिएगा उतना जल्दी आपका बैच में, पहला बैच में भी दौड़ते हैं, दूसरा बैच में दौड़ते हैं तो आपके लिए आसान है, लेकिन भाई तीसरा बैच दौड़ाते दौड़ाते 10:30 से 11 बज जाता है, और आजकल का धूप देखते हैं सुबह का 10 बजे का धूप कितना हाई होता है, इससे बच्चे काफी रनिंग में रिजेक्ट हो रहे हैं। समझ गए दोस्तों। तो फिजिकल में जाने से पहले आप लोग अपने साथ पानी और ग्लूकोज जरूर लेकर जाइए, और नेक्स्ट डे आपका फिजिकल है तो जिस दिन आप जाते हैं सेंटर पे, ग्लूकोज और पानी ज्यादा, जितना पानी जितना तरल पदार्थ आप सेवन किए रहेंगे रनिंग में उतना आपका मतलब स्टेमिना बना रहेगा। समझ गए दोस्तों। तो जितना जल्दी हो सके आप फिजिकल सेंटर यदि किसी भी डेट में है तो फिजिकल में आगे रहने का सोचिए, हमेशा 4 बजे चल जाइए उठ के और फिजिकल में लाइन में खड़े हो जाइए ताकि रनिंग आपको धूप में ना आए। समझिए दोस्तों। अब बात करते हैं क्या हमारा फिजिकल नेक्स्ट डे होगा। तो दोस्तों बहुत सारे फिजिकल सेंटर पर बच्चे को नेक्स्ट डे वाले को भी ले जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फिजिकल सेंटर है जहां पर नेक्स्ट डे वाले बच्चे को नहीं लिया जा रहा है। समझ गए दोस्तों। तो इसीलिए यदि आपका जिस दिन फिजिकल है उसी दिन जाइए, वरना दूसरे दिन जाकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। और बहुत सारे फिजिकल सेंटर पर किसी दिन ले रहा है, किसी दिन बच्चे को वहां से रिटर्न करा दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों को बोले हैं जिनका कल फिजिकल है ये बात जानकारी फाइनल करके लाने के लिए, तो कल हमें ये पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार 10 दिन फिजिकल का पल पल का अपडेट आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेगा रोज का। तो कल होंगे हम 27/5/2023 का फिजिकल का अपडेट लेकर इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।